एवरीवन, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। आज हम लोग क्रिया चैप्टर पढ़ेंगे। आपको पता है क्रिया शब्द क्या होते हैं? क्रिया का हम लोग इंग्लिश में वर्ब भी बोलते हैं, और क्रिया शब्द वो होते हैं जो किसी काम का करना या होना बताते हैं। जैसे आप मेरा वीडियो चैनल देख रहे हैं, तो देख रहे हैं, देखना एक क्रिया है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। रोहन बहुत तेज भाग रहा है, भाग रहा है, भागना एक क्रिया शब्द है। अब मैं आपको एक धातु, आपको अगर आप क्रिया समझना चाहते हैं तो आपको धातु समझना बहुत ज़रूरी है। अब धातु वो शब्द होते हैं जो क्रिया बनाते हैं, जैसे रो। रो के अब मैं आपको तीन वेज बताऊंगी। रोना, तुम मत रोना, तो रोना एक मूल शब्द है, ये हमारा फर्स्ट वे है। सेकेंड वे, रोती है, रोता है, ये हमेशा रोती है, तो रोती है ये दूसरा वे है मूल शब्द का। तीसरा, रोएगी, तुम्हें पता है ये इस बात में रोएगी, तो रोएगी मूल शब्द का थर्ड वे है। अब मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाऊंगी। अब मैं आप इसमें मूल शब्द है, आपको इसको क्रिया में कन्वर्ट करना है। आओ खाना डैश खा मूल शब्द है, आपको इसको क्रिया में कन्वर्ट करना है। इसका होगा खाए, तो हमारा होगा आओ खाना खाए। अब सेकंड, क्या तुम्हें फल डैश आते हैं, तोड़ हमारा मूल शब्द है, हमें इसको क्रिया में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग बोलेंगे क्या तुम्हें फल तोड़ने आते हैं। अब हमारा थर्ड, अब यह मुझसे कभी नहीं डैश डर हमारा मूल शब्द है, और हमें इसको क्रिया में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग बोलेंगे अब यह मुझसे कभी नहीं डरेगा। तो मुझे लगता है कि आपको क्रिया और धातु समझ में आ गया होगा। आप गूगल से भी और सर्च करके पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बहुत सिंपल वे से समझाया है। ओके, आप मेरी वीडियो सब्सक्राइब करिएगा। बाय।